कोरोना की इस महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को जो गहरा आघात लगा है उसको फिर से पटरी पर लाना, ये भी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत हद तक टूरिज़्म पर केंद्रित है। बहुत से लोग हैं टूरिज़्म के माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों को रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिली हुई है। और पिछले काफ़ी समय से ये सब होटल और रिजॉर्ट्स बंद होने की वजह से उन सब लोगों को जो इस व्यवसाय से जुड़े होने के कारण से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उनके परिवारों को और उनको जो है बहुत बड़ी दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया है, और ये बहुत मैं ये समझता हूँ साहसपूर्ण फैसला है कि अब पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश में आ सकेंगे, रह सकेंगे, मिनिमम 5 डेज उनको रुकना होगा। इसके SOPs जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। ये ठीक है, थोड़ा एक भय जो है वो व्याप्त है, और ऐसा भय होना ये प्राकृतिक भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब SOPs सब बन जाएंगे और सारी सावधानियों के साथ जिस प्रकार से ये पर्यटक यहाँ पर रहेंगे, सब सावधानियों का जो है वो पालन जो है वो कठोरतापूर्वक होगा, तो मैं समझता हूँ फर्दर ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होगा।